प्रणाम, हाय, खुशामुद्दीन। वेलकम टू सत्या भैरव चैनल। आप देख रहे हैं सत्या भैरव चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सत्या। या दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले एक नए पिक्चर के रिव्यू के बारे में, जो पिक्चर हाल ही में रिलीज हुई है। इस पिक्चर का नाम है गुड न्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये पिक्चर वाकई काफी अच्छा है, मेरे को तो काफी अच्छा लगा। गुड न्यूज सिर्फ नाम में गुड न्यूज नहीं, बल्कि पिक्चर भी वाकई गुड न्यूज के नाम के लायक है। बाकी ये पिक्चर काफी अच्छा है और इस पिक्चर के डायरेक्टर है राज मेहता। जो इस पिक्चर के डायरेक्टर, उन्होंने काफी अच्छा डायरेक्ट किया है, काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। और इस पिक्चर में के जो हीरो के रोल कर रहे हैं, जो लीड रोल, वो है हमारे अक्षय कुमार साहब, जो काफी अच्छा एक्टर है। उन्होंने काफी अच्छा चुना है इस कहानी को काफी अच्छा चुन के उन्होंने इस पिक्चर में एक्टिंग की है। और इसमें बाकी एक्टर जैसे करीना कपूर खान, उन्होंने भी काफी अच्छा एक्टिंग की इस पिक्चर में। और बाकी एक्टर जैसे कायरा अडवाणी, वो भी काफी अच्छा एक्टर्स, उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग की। पर कोई कोई जगह थोड़े उनके माइनस होने लगे हैं, ऐसी काफी अच्छी एक्टिंग नहीं है कोई कोई जगह में कायरा अडवाणी के। और दूसरे हमारे जो एक्टर है दिलजीत दोसांझ, जो पंजाबी सिंगर ही नहीं बल्कि एक पंजाबी एक्टर भी है, काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। उन्होंने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है इस पिक्चर में। दरअसल इसकी पिक्चर की स्टोरी इस तरह है, इस पिक्चर में हमारे जो अक्षय कुमार साहब सिर्फ और करीना कपूर दोनों एक प्रोफेशनल है, जो प्रोफेशनल होते हैं अपने अपने काम में। करीना कपूर एक मॉडल की तरह ही अपने प्रोफेशनल बिजनेसमैन की तरह होते हैं और अपने अपने काम में लगे रहते हैं, उनको टाइम नहीं मिलता है बच्चे पैदा करने के। स्टोरी इस तरह है। और हमारे जो दिलजीत और कायरा कपूर, सॉरी दिलजीत और कायरा अडवाणी जो हस्बैंड वाइफ है, वो एक ट्रेडिशनल पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। सिर्फ एक इनके बीच एक ही कॉमन होता है, जो है इनका नाम बत्रा। सिर्फ नाम कॉमन होता है और इसके कारण काफी प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी पिक्चर का स्टोरी काफी अच्छा है और अक्षय कुमार और करीना कपूर दोनों एक प्रोफेशनल होते हैं और उनको टाइम नहीं मिलता बच्चे पैदा करने के लिए, और शादी के 7 साल हो जाते हैं तो आखिरी में वो लोग जाते हैं IVF फर्टिलिटी सेंटर में, और वहां जाके मिलते हैं आदिल हुसैन, जो वहां पे डॉक्टर जो होते हैं, एक डॉक्टर का किरदार निभाते हैं। उन्होंने भी काफी अच्छा सपोर्टिंग एक्टिंग की इस पिक्चर में, काफी अच्छा उन्होंने एक्टिंग किया। बाकी पिक्चर का स्टोरी काफी अच्छा है और दोनों जाके उनसे मिलते हैं और अपना प्रॉब्लम बताते हैं, फिर उन्हें एक सोल्यूशन देते हैं किस तरह वो भी बच्चे पैदा कर सकते हैं। और जो हमारे जो दिलजीत हैं, वो अपने वाइफ के साथ आते हैं, उनका भी नाम बत्रा होता है, और इसमें एक प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि दोनों का स्पर्म इंटरचेंज हो जाता है। ये सब प्रॉब्लम होता है दोनों के बीच और वहां से कहानी टर्न होता है और वहां से कहानी असली कहानी शुरू होता है। जैसे पिक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो परिवार के साथ देख सकते हैं। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, देखने लायक है। आपको कहीं कहीं आपको हंसा देता है तो कहीं कहीं आपको रोने में मजबूर कर देता है। बाकी डायरेक्टर ने काफी अच्छा डायरेक्ट किया, काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। पर आप अगर आप एकदम ट्रेडिशनल माइंडेड से जाते हैं और एक नए सोच के अनुसार, नए सोच लोगों के अनुसार और मॉडर्न जमाने के अनुसार अगर आप जाते हैं, तो ये पिक्चर आपके लिए काफी वाकई काफी अच्छा है और काफी इसमें कुछ सीखने और समझने के लिए भी है। क्योंकि आजकल के जमाने में लोगों का खाना टाइम पे नहीं खाते और टाइम पे नहीं सोते और लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं और इसके कारण टाइम पे सोते भी नहीं है, तो इसके कारण इंसान के शरीर में हार्मोन्स में थोड़ा अदल बदलाव आता है, हार्मोन्स में, इसके कारण लोगों को बच्चा पैदा करना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि भागदौड़ की जिंदगी वालों के लिए किस तरह प्रॉब्लम फेस करना होता है, किस तरह एक जब माँ बनते हैं तो फिर किस तरह उन्हें ध्यान रखना पड़ता है, काफी कुछ इस पिक्चर में दिखाया गया है। बाकी काफी अच्छा प्रेजेंटेशन है और खास दिलजीत जो एकदम सीरियसनेस को एकदम कॉमेडी की तरह प्रेजेंट करते हैं, काफी अच्छा कॉमेडी करते हैं। यहाँ तक अक्षय कुमार भी का मामा कॉमेडी कर लेते हैं, जबकि दोनों एक सीरियस कैरेक्टर की तरह, करीना कपूर और अक्षय कुमार, उन दोनों ने भी काफी अच्छा एक्टिंग की और अपने सबने अपना अपना किरदार काफी अच्छा निभाया है। बाकी डायरेक्टर ने काफी अच्छा प्रेजेंट किया है। इसमें एक माइनस पॉइंट है कि गाना जो है, जो गाना बेमतलब के गाने हैं, कुछ कुछ थोड़े एकदम दुखद भरी सिचुएशन में गाने हैं, ठीक गाने हैं, ठीक है मान लेते हैं, पर बाकी जो एकदम म्यूजिकल गाने हैं वो गाने बेमतलब के गाने हैं। गाने की कोई जरूरत नहीं थी पर इसमें गाना डालना है जरूरी समझ के डायरेक्टर ने इसमें गाना डाला है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, देखने लायक है, परिवार के साथ देखने लायक है, आप जरूर देखिएगा परिवार के साथ। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा। आप जरूर पिक्चर देखिएगा परिवार के साथ और जरूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में कि आपके ये पिक्चर कैसा लगा। मैं तो अपने तौर से कहता हूँ वाकई मेरे को अच्छा लगा, मेरे को देखते वाकई मेरे को हंसी भी आई और मुझे इस पिक्चर ने मेरे को रोने मजबूर भी कर दिया। क्योंकि पहली बार बॉलीवुड में कुछ नया दिखाया गया है, नया सोचा है डायरेक्टर ने। और अक्षय कुमार काफी तरह तरह के पिक्चर आजकल एक्टिंग करने लगे हैं, कभी विलन का रोल कर रहे थे, कभी हीरो का रोल कर लेते हैं, और बाकी एक्टिंग में वो लोग वो तो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, किसी भी तरह का एक्टिंग
करने को तैयार हो जाता है अक्षय कुमार साहब। बाकी उन्होंने काफी अच्छा एक्टिंग किया है, बाकी लोगों ने भी काफी अच्छा अपना अपना किरदार काफी अच्छा निभाया है। बाकी पिक्चर काफी अच्छा है, आप इस पिक्चर को देखिएगा जरूर परिवार के साथ और मेरे को जरूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में आपको ये पिक्चर कैसा लगा और आपकी राय जरूर बताइएगा। देखते हैं आने वाले दिनों में ये पिक्चर अभी कितना बॉक्स ऑफिस में पैसा जमा पाती है और नाम कमा पाती है। मैं तो अपनी तरफ से इस पिक्चर को 3 स्टार दूंगा। बाकी मुझे पिक्चर अच्छा लगा और पिक्चर देखे मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। और इतना ही नहीं, अगर आपको मेरा चैनल मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल सत्या भाई चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं अपडेट को भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको रूबरू कवर होता रहेगा। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार जनों का ख्याल रखिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।